अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ अली अवान है। आज की हम इस वीडियो में आपको बताएंगे केमिस्ट्री 10th क्लास केमिस्ट्री की 2022 फॉर ऑल पंजाब बोर्ड। ये स्कीम जो है 100% एक्यूरेट स्कीम है, बोर्ड स्कीम है, जो रिसेंट अपडेटेड स्कीम है, और यही पेपर भी इंशाल्लाह फॉलो होगी। इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस की, आई थिंक MCQs की। MCQs चैप्टर नंबर 9 में से 2 MCQs आने हैं, चैप्टर नंबर 11 में से 1 MCQs आना है, चैप्टर नंबर 13 में से 2 MCQs आने हैं, चैप्टर नंबर 15 में से भी 2 MCQs आने हैं, चैप्टर नंबर 10 में से भी 2 MCQs, चैप्टर नंबर 12 में से 1, 14 में से भी 1 और 16 में से भी 1। चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 10 में से 2-2 MCQs आने हैं। हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चन का, वो आपका पोर्शन बनेगा चैप्टर नंबर 9 में से, चैप्टर नंबर 13 में से और चैप्टर नंबर 11 में से। इसमें आप देखें कि जो आपका 2 वाला पोर्शन है वो चैप्टर नंबर 11 में से 4 क्वेश्चन आने हैं। आपने टोटल 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और जो 5 क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर नंबर 11 में से 4 हो जाएंगे, बाकी आपने एक करना है। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 13 या 9 वाले में से एक कर लेते हो तो बहुत है, 4 आपके 11 में से हो जाएंगे और एक आपका 13 या 9 में से, चैप्टर नंबर 9 में से हो जाएगा। नीचे आता है पोर्शन नंबर 3 में, आप देख सकते हैं कि पोर्शन नंबर 3 जो भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है वो 10, 14 और 12 में से आने हैं। आप इसमें चैप्टर नंबर 14 देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 14 जो है इसमें से 4 ऐसे क्यों आने हैं, और आपने 5 करने होते हैं 8 में से। अगर आप चैप्टर नंबर 14 अच्छे से कर लेते हो तो आपके 4 क्वेश्चन इधर से हो जाएंगे, बाकी आप चैप्टर नंबर 12 कर लो, 7 शॉर्ट क्वेश्चन या 10 कर लो, एक आप छोड़ सकते हो, या 12 वाला छोड़ लो या चैप्टर नंबर 10 वाला छोड़ लो, आप इनमें से कोई भी चैप्टर छोड़ सकते हो। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन नंबर 4 है, वो बनना है चैप्टर नंबर 15 में से और चैप्टर नंबर 16 में से। अगर आप चैप्टर नंबर 15 कर लेते हो तो आपके 4 हो जाएंगे और 16 में से भी आपको एक करना पड़ेगा, तो लिहाजा आप ये अगर दोनों चैप्टर कर लेते हो तो आपके 5 कंप्लीट है इन 2 में से ही। यानी कि अगर आप देखते हो कि जिन में से ज़्यादा ऐसी क्यों आने हैं वो कौन से चैप्टर हैं, तो वो चैप्टर 15, चैप्टर 16 और चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 में से भी 4 ऐसे क्यों आने हैं, चैप्टर नंबर 11 में से भी 4 आने हैं, चैप्टर नंबर 16 में से भी 4 आने हैं और चैप्टर नंबर 15 में से भी 4 ऐसे क्यों आने हैं। अगर आप इनको देखो तो आपके टोटल जो हैं वो 16 ऐसे क्यों इधर से आ रहे हैं इन 4 चैप्टर में से 16। तो 16 में से 15 और 16 को देखें तो इसमें से आपने 2 स्किप करने हैं, तो 3 स्किप करने हैं, यानी कि पीछे बच गए आपके 13। तो 13 शॉर्ट क्वेश्चन इधर से, यानी 26 नंबर का पेपर आपका इन 4 चैप्टर से हो रहा है। ये 4 चैप्टर आप कर लो, 15, 16, 11 और 14 वाला आपका 26 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन हो रहा है, और साथ आपने कर लेना है MCQs कर लेने हैं। तो MCQs जो हैं वो आपके वो 12 नंबर के आपके MCQs आने हैं। तो 12 नंबर के आप MCQs काउंट करें तो आपके टोटल बनते हैं 38 नंबर, यानी 60 में से आप 38 नंबर ईज़िली ले सकते। अच्छा, अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने करना है चैप्टर नंबर 9 और 13 में से आपका क्वेश्चन नंबर 5 आना है, 5 नंबर का चैप्टर नंबर 9 में से आना है और 4 नंबर का चैप्टर नंबर 13 में से आना है, और क्वेश्चन नंबर 6 आपका आना चैप्टर नंबर 10 और 15 में से। तो मैं आपको यही करूँगा, कहूँगा कि आप चैप्टर नंबर 9, 13, 10, 15 ये पहले वाले 4 कर लो, कि मोस्टली बच्चों ने 9, 10 वाला पहले चैप्टर पढ़े होते हैं, तो आप ये कर लो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। आप 16 और 12 वाला भी कर सकते हो। तो ये स्कीम है आपकी, तो ये 100% एक्यूरेट स्कीम है, इसको फॉलो करो, इंशाल्लाह आप निकल जाओगे। शुक्रिया।